11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 11 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन है। थोड़ी ही देर में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। राहुल के बयान और हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर आज फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अडानी मामले की जांच के लिए लगातार जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। दूसरी ब्रेकिंग, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले खड़गे का बड़ा बयान। खड़गे ने कहा, पार्लियामेंट नहीं चलने देना विपक्ष की साजिश है। हमारी जेपीसी की मांग को नजरअंदाज करने की चाल। तीसरी ब्रेकिंग, राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान के बाद राजनीति तेज। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में झूठ बोला, विदेश में देश को बदनाम करने का हक किसी को नहीं। चौथी ब्रेकिंग, किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस नेता अधीररंजन चौधरी का पलटवार। कहा, राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत इस सरकार में नहीं, मोदी सरकार की हिम्मत है तो सदन में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की इजाजत हो। पांचवी ब्रेकिंग, पंजाब की आप सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर सीएम भगवंत मान ने कहा, जनता से किए वादे पूरे किए, हमने कोई नया काम नहीं किया, जनता से किए गारंटीज पूरी की, एक साल में 26,000 से ज्यादा नौकरियां दी। छठी ब्रेकिंग, थोड़ी ही देर में के कविता पीसी करने वाली हैं। ईडी दफ्तर में पूछताछ से पहले के कविता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कविता के घर के बाहर जुटने लगे हैं कार्यकर्ता। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता से आज दूसरी बार पूछताछ करेगी ईडी। आठवीं ब्रेकिंग, तेजस्वी यादव की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट आज तेजस्वी की समन रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी। नौवीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में किसानों के लॉन्ग मार्च का आज चौथा दिन। हजारों किसान अपनी मांगों के साथ मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी। दोपहर 3 बजे सीएम शिंदे से मिलेंगे किसान नेता। दसवीं ब्रेकिंग, भारतीय मूल के रवि चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव होंगे रवि चौधरी। अमेरिका की सीनेट ने रवि चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। और 11वीं ब्रेकिंग, न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 रही।